بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. उम्मीद करती हूँ आप सब ईमान और शहद की बेहतरीन हालत में होंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल. अल्लाह पाक आपकी तरफ बढ़ने वाले हर शय को खैर बदल दे. आमीन सुम आमीन. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما, رب زدني علما, رب زدني علما. اللهم فقهنا في الدين, اللهم فقهنا في الدين, اللهم فقهنا في الدين. آمين يا رب العالمين. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. آمين يا رب العالمين. बिस्मिल्लाह रहमान रहीम. आज की क्लास का आगाज करते हैं इस दुआ के साथ कि अल्लाह पाक मुझे सही तरह से समझाने की, आप लोगों को सही तरह से समझने की, मुझे आप लोगों की अच्छी तरह से इस्लाह करने की तौफीक अता फरमाए. आमीन सुम आमीन. तो स्टूडेंट्स, आज हम अपने उसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे, काउंटिंग वाला जो टॉपिक चल रहा था. अल्हम्दुलिल्लाह हमारी काफ़ी सारी आयात भी हो गई थी, आप लोगों ने प्रैक्टिस भी की होगी मुझे उम्मीद है, और काउंटिंग हम सीख चुके हैं. और इसकी जो आयात हमारी पिछली क्लास में रह गई थी वो भी हम कंप्लीट करेंगे, मगर उससे पहले हम ये पढ़ लेते हैं, क्योंकि मैंने कहा था कि हमें अभी आपको फिलहाल स्किप करवाया था ये वाला टॉपिक, के बीच में ही था ये. ठीक है, टॉपिक अलग नहीं है मगर ये बात है हिस्सों की. ठीक है, तो आज इन आयात को इंशाल्लाह जरूर समझेंगे. तो ज़्यादा कोई डिटेल नहीं है, बस आप लोगों ने आयात का तर्जुमा करूँगी, जहाँ समझ नहीं आएगी उसमें आप लोगों की इसलाह करने की कोशिश करूंगी, जहाँ समझ नहीं आएगी और जहाँ गलती करेंगे उसको ठीक करने की कोशिश करेंगे, जो मुश्किल लगेगा वो भी बता दूंगी इंशाल्लाह. और बाकी डिटेल में जाकर आप इसको आज, क्योंकि टॉपिक हमारा, देखें पहले टॉपिक देख लेते हैं क्या है. देखें, तरतीब के लिए इस्तेमाल होने वाले अल्फाज हैं. तो देखिए, पहले अरबी को छोड़ें, देखें पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नवां, दसवां. तो तरतीब के लिए इस्तेमाल होने वाले अल्फाज हैं, लाइक जैसे हिस्सों की बात होती है कि ये पहला हिस्सा है, ये दूसरा हिस्सा है, ये तीसरा, चौथा, पांचवा. ठीक है, तो आज हम ये पढ़ेंगे. ठीक है, तो इससे रिलेटेड कुरान में जो आयात हैं वो इस स्लाइड्स में डाली गई हैं, उसकी प्रैक्टिस करेंगे. ठीक है, तो आज हम देखें कितना अच्छा टॉपिक पढ़ रहे हैं कि हमें हिस्सों के बारे में पता लग जाएगा कि किसके लिए कितना हिस्सा आया है. ठीक है, तो आप लोगों ने इसको जाके इन डेप्थ स्टडी करना है. कुरान खोलें, टॉपिक समझ लिया ना तो खोलें, सूरह निसा खोलें. ठीक है, उसमें आई है ना हिस्सों की बात, कि किसके लिए कितना हिस्सा जो है बताया गया है, कि लड़कियों का इतना है, लड़कों का इतना है, मर्द के लिए इतना है, माँ बाप का कितना हिस्सा है. तो उसको जाके आपने देखना है, पढ़ें. ठीक है, इसमें जितने आयात हैं वो करने की कोशिश करेंगे, बाकी आप लोगों ने खुद से भी जाके उसको स्टडी करना है, ताकि आप लोगों को इस क्लास का फायदा हो जाए. ठीक है, इंशाल्लाह अगर कुछ पूछना हो आप लोग बाद में पूछ सकते हैं, कोई आयत समझना है वो भी पूछ सकते हैं. ठीक है, तो जितनी जितना मुझे आता है मैं अपने इल्म के मुताबिक आपको बताने की कोशिश भी करूंगी इंशाल्लाह. तो आइए स्टार्ट करते हैं. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. तो देखिए, तरतीब के लिए इस्तेमाल होने वाले अल्फाज, अल अव्वलु पहला, सानिया दूसरा, थालिसु तीसरा, राबिउ चौथा, खामिसु पांचवा. ठीक है, देखिए नए अल्फाज बिल्कुल नहीं है, जो हम पढ़ चुके हैं उसी तरह. देखिए, सालिस पढ़ा था, राबे अरबा पढ़ा था, देखिए राबी चौथा हो गया, पांचवा खमसा पढ़ा, तो इससे देखिए खामिस. ठीक है, उससे मिलते जुलते हैं, ये ज्यादा कुछ परेशानी वाली बात नहीं है. तो इसको एक दफा मैं पढ़ती हूँ, आप लोग भी इसको जो है याद करने की कोशिश कर लें. ठीक है, छठा, सादिसु सातवां, साबिउ आठवां, सामिनु नवां, तासिउ दसवां, आशिरु. ठीक है, अल अव्वलु पहला, सानी दूसरा, सालिसु तीसरा, राबिउ चौथा, खामिस पांचवा, छठा, सादिसु साबिउ सातवां. ठीक है, सब आदना अभी साबिउ है, उसी से मिलता जुलता है, कोई नई चीज नहीं है. आठवां सामिनु नवा तासिउ दसवां आशिरु. ठीक है, मुझे उम्मीद है सबको ये याद हो चुके होंगे, कोई मुश्किल चीज नहीं है. आइए चलें आयात की तरफ चलते हैं. ठीक है, आप लोगों की आसानी के लिए यहाँ पर लिखे हुए भी हैं. ठीक है, इसको देखते हुए करना है. कौन आगाज करेगा, स्टार्ट कीजिए.
हाथ खड़ा करें। यास्मीन समीना। मैं पढ़ूं? पढ़े सलमा नाफे। जी पढ़ूं? बाजी अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी आप पढ़े। अस्सलाम वालेकुम बाजी। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पैन कानता नतैने फलहुमा लुसानी, बस अगर हो दो नतैनी फलहुमा सुलुसानी, तो उनके लिए तीन, लेकिन बाकी दो के लिए आता है ना, तो तो इसका कितना होगा? सुलुसानी दो। उसका आधा हाँ, हो गया ना, सुलुसानी दो तहाई है। दो तिहाई हो गया, और ये नतैनी दो तिहाई और सुलुसानी तीन, नहीं इस नतैनी का होगा दो बहने। दो बहने हो। इतना होता है ना इस नतैनी। देखें। अगर हो उनकी दो बहने फलाहुमा सुलुसानी, तो उनका हो गया दो तिहाई। देखें फइन कानता इस नतैनी फलहुमा सुलुसान पस अगर हो कानता। देखिए काना से कानत और अभी देखिए अलिफ का काना इजाफा हुआ है। ठीक है अलिफ का तो इजाफा, जी बस जी तो अलिफ का अभी जी, मैंने टॉपिक सबने नहीं बाजी वो पढ़ा। जी जी हाँ दोनों में दो जी दो की आपने बात बस हो रही है। जी बताया, हाँ जी टॉपिक एक में अलिफ अभी आएगा, नहीं एक पढ़ा। में वाउन नून आएगा, आनी भी वाउन आएगा। नून नहीं हाँ आएगा। वाउन नून नहीं आएगा। नहीं, इसमें नहीं बाजी, आपने या इतनी नून। निशानियां बताई थी ना। या नून तो जेर के साथ दो है। जी जी हाँ तो जेर के देखें साथ है। पस अगर हो कानता पस अगर हो तो क्यों दो हो दो की बात होगी। पस अगर वो दो हो कौन दो इस नतैनी दो बहने दो फलाहुमा बहने, पस उन दोनों के लिए कितना है दो तिहाई। दो तिहाई, दो तिहाई। देखिए वाइन कानत, पढ़े हाँ पढ़े। जी बाजी, वाइन कानत और अगर हो वाहिदतन एक फलाहा, तो उनके लिए है अन्निस आधा। ठीक ये है मीरास की वसीयत है ना जी सारी ये। हाँ हाँ जी हाँ बिल्कुल। अच्छा जैसे कि मैंने बताया ना आप लोगों ने भी ये टॉपिक पढ़ा नहीं है तो ये वाली आयत पढ़ने में आपको मुश्किल भी होगी, इसलिए बता दिया कि ये अलिफ दो के लिए आया है ऐनी दो के लिए आया। देखिए फला हुम होता है पस उनके लिए पस क्योंकि पस अलिफ का इजाफा ना पस उन दोनों के लिए। ठीक है सुलुसानी दो तिहाई है। ठीक है तो ये किसकी बात हो रही है किसी को कोई इसका आइडिया है। बहनों की जायदाद की, जी हाँ वो बहनों की बात रही है। परका ये है कि जी, बहन की इसकी। अगर मर्द हो ठीक है कलाला मर्द। कलाला मर्द किसको बोलते हैं वो मर्द जिसके ना माँ बाप हो ना औलाद हो। ठीक है उसको कलाला बोलते हैं। मगर अगर उसकी एक बहन होगी तो उसको आधा हिस्सा जाता है। तो उस चीज के आगे आयत कंटिन्यू है अगर उसकी कितनी बहन हो अगर उसकी दो बहनें होंगी तो उन दोनों के लिए कितना है दो तिहाई है। ठीक है और नेक्स्ट आरफा आप पढ़े मैं सेकंड नंबर। पढ़ू? मेरी उस टाइम माइक नहीं खुल पढ़ रहा था मेरे से, रही तो हूँ बस मैं गुलाब कहती हूँ। अगर ये फ़इल्लम सेकंड वन पढ़े ब्लू में जो यकुल है लहू, आरफा सेकंड नंबर पढ़े। अच्छा, वाइन वाइन, और अगर कानत हो वाहिदतन एक फलाहा, पस उसके लिए निस आधा है, ठीक है। अच्छा अब देखिए अरबी की खूबसूरती देखिए वो और कितने अच्छे से अगर समझ आ रहा है। देखिए फइन कानत कानत है ना अब कानत हो गया पस अगर हो कौन हो लड़की की बात है पस अगर वो हो एक लड़की वाहिदतन फलाहा पस उसके लिए मतलब उस लड़की के लिए कितना है आधा हिस्सा है। आधा ठीक है जी। ये है हाँ, तीसरा, फ़इल्लम और अगर अगर दो से ज्यादा लड़कियां हो तो उनके लिए दो तिहाई जाता है। ये एक जी, लड़की की बात है तो उसके लिए आधा है।
अगर दो से ज्यादा लड़कियां हो तो उनके लिए दो तिहाई होता है। नेक्स्ट पढ़े। फइल्लम फस अगर यकुल लहू नहीं हो वलदुन औलाद ववारिसहु और इसके वारिस में हो अबवाहु इसके वालिदैन या माँ बाप क्या आएगा जी हाँ वालिदैन जी जी दोनों दोनों अल्फाज ठीक है, या वालदेन या माँ बाप कोई भी है, अब आवा दोनों के लिए आता है, फली माँ बाप के लिए। उम्मी तो इसकी माँ का फला उम्मी सुलुस तो इसकी माँ का हिस्सा तीसरा है ठीक है। अगर कोई औलाद ना हो, फइल्लम यकुल लहू वलदुन, बस अगर नहीं हो उसकी कोई औलाद, ववरिसु और उसका वारिस हो कौन, उसके माँ बाप, फली उम्मी ही, तो जी माँ के लिए कितना हिस्सा है। तीसरा हिस्सा है। जी ठीक है, बारक अल्लाह फीक। आयशा शाहिद आप पढ़ें, नेक्स्ट वन। अल्लाह कौन सा था? शैतान बिस्मिल्लाह रहमान फाइन और पस का ना वो है लकुम उनके लिए वलदन और वलदुम हाँ जी मुझे पढ़े। समझ आ रही है इतने बता दे आवाज नहीं आ रही मेरी। जी जी आ रही है। फाइन पस वो है फाइन काना पस वो है लकुम उनके लिए फइन पस अगर का ना हो, लकुम तुम्हारी या तुम्हारे लिए, वलदुन औलाद। औलाद फला हुन्ना और नहीं और फला हुन्ना पस औरत औरत पढ़े पढ़े। पस औरत लहुन्ना सुमाना लहुन्ना है ना, पस लहुन्ना ये है औरत के लिए जी, तो लहुन्ना है, लहुन्ना लाम भी तो है, फलहुन्ना। फलाना पस वो और फलहुन्ना बस उन पस औरतों के लिए, लाम है ना, लाम पढ़ा था ना। पस हाँ जी पस उन औरतों के लिए सोनू तीसरा आठवां, सुमन, सुमुना सानिया से सुमन। आठवां हाँ सामीनू और सुमुनु आठवां मिम्मा जो तरक तुम हो क्या आयशा शाहिद क्या हुआ है? मिम्मा उसमें से तरक तुम जो तुमने छोड़ा। मिम्मा क्या बताया था? मिन और मा का मजमुआ होता है, उसमें से जो तरक तुम जो तुमने छोड़ा। तुमने छोड़ा है ठीक है, शगुफ्ता नसीम आप रिपीट करें इसी को और नीचे वाली लास्ट वन पढ़ें। फाइन पास अगर काना वो है लकुम तुम्हारे लिए वाला दुन उलाद वो है नहीं आएगा ना, जो हमें मालूम हो गया, पस अगर है लकुम तुम्हारे लिए, वाला दुन औलाद, कौन तो वो का इजाफा क्यों कर रहे हैं? औलाद फला बस उनके लिए सामानों आठवां मिम्मा तरकुन जो तुमने छोड़ा जी हाँ, किसकी बात हो रही, किसके लिए जो है आठवां हिस्सा है? आयत को पढ़ के समझ के बताएं। बीवी के लिए कैसे मालूम हुआ? क्योंकि फला औरतों के लिए, उन औरतों औरत के के लिए। लिए ना ठीक है शगुफ्ता, नेक्स्ट पढ़ें। वाला हुन्ना और उनके लिए वाला हुन्ना और उनके लिए रोबोन चौथा मीमा जो तरक तुमने छोड़ा जो ठीक है। इसमें तुमने छोड़ा ये उसके लिए अगर औलाद नहीं होगी ना, तो उनके लिए चौथा हिस्सा होगा। अब यहाँ अगर उनकी जी औलाद है तो उनके लिए आठवां हिस्सा है। तो ठीक है। अगर औलाद नहीं होगी तो वो चौथा होगा जी हाँ, आगे आएगी ये आयत कंप्लीट। ठीक है, बारक अल्लाह फीक। नेक्स्ट वन पढ़ेगा, हाथ खड़ा करें, आ जाएं। गुलजार आप पढ़ें, सिर्फ एक एक पढ़ें ताकि सबको मौका मिले। अस्सलाम ठीक वालेकुम है, एक पढ़ के माइक जी म्यूट हाँ पढ़ें। फअन्ना बस अगर लिल्लाही
हुमसुहु इन्ना और अन्ना अल्लाह। बेशक के लिए आता है, बस बेशक अच्छा हाँ, कोई नगर है, बस बेशक अगर अल्लाह ही हुमसहु हुमसहु लिर रसूली। पांचवा पांचवा हिस्सा वो लिर रसूली, रसूल के लिए। रवानगी के साथ पढ़ें, क्या बना है फिर? बस बेशक अल्लाह ही पांचवा हिस्सा उली रसूली और रसूल के लिए, तो इसमें भी तो लाम के नीचे जेर है ना, लिल्लाही, अल्लाह के थोड़ी लिखा लिए। हुआ है। जी हाँ, मतलब अल्लाह के हाँ लिए कितना हिस्सा है? पांचवा, और रसूल के लिए। ठीक है, फिर बेशक अल्लाह के लिए पांचवा हिस्सा और रसूल के लिए। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ें। यास्मीन समीना आप पढ़ें, इसके बाद रजिया आप पढ़ेंगी। एक एक सब पढ़ते जाएं ताकि सबको मौका मिले। जी फाइन पस अगर काना वो लहू लहू हो उसके लिए इख्वातुन उसके भाई, इख्वतुन, अलिफ का इजाफा नहीं करें, खींच के नहीं पढ़े, इख्वतुन। इख्वातुन इख्वातुन भाई उसके बहन हाँ, बहन भाई दोनों के लिए है ये। भाई। फाली बस अगर हो उसके फाली बहन उ भाई। उम फली उ फली उम्मी उम्मी ही सुदुस, ही। बस उसके लिए छठा हिस्सा। किसके लिए छठा ऐसा है? किसको बोलते हैं? वालदा, ठीक है, बस उसकी माँ का कितना हिस्सा है फिर? वालदा छठा, ठीक है, रवानगी के साथ कंप्लीट कीजिए। बस अगर हो उनके बहन भाई तो उनकी वालदा के लिए है छठा हिस्सा। ठीक है, उन नहीं आएगा, उस आएगा, हु है ना। बस अगर उसकी हो वालदा के लिए। उसकी जी ठीक है, बहन भाई तो उसकी माँ के लिए, माँ का कितना हिस्सा है? छठा हिस्सा। छठा जी सुदूस। हाँ, आ जाए रजिया, नेक्स्ट पढ़े। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फलोहुन्ना पस उन औरतों के लिए, फलोहुन्ना शुमुसु सुमन आठवां सुमुनु। कितना है? आठवां हिस्सा, मीमा उसमें से जो तरक तुमने जो छोड़ा। ठीक है, ये किसके लिए? अभी पीछे आयत की थी ना, आठवां हिस्सा कब मिलेगा? औलाद होगी या नहीं होगी? नहीं हो रही थी, अगर औलाद होगी होगी तो आठवां मिलेगी। अगर औलाद नहीं है तो फिर ओके कितना होगा? बेटा, फिर चौथा चौथा। होगा। चौथा चौथा पीछे पढ़ के आया चौथा है। जी हाँ, ठीक है जी। नादिया यूसुफ आप पढ़ें, नेक्स्ट वन। वालेकुम है, वालेकुम अस्सलाम। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। वा मा बालागु, और जब माँ बालागु मायने मैम, नहीं, बालागु माँ मायने नहीं, बालागु बलागत में। बलगा मायने क्या होता है? बलगा से बलगू बना है, पहुंचना। पहुंच जाए, और जब ना पहुंचे में शारा। मैं इशार, मैं 10वें के हिस्से की बात हो गई ना। शारद, और ना वो जब जवान ना, मैम बाला वो जवान को कहेंगे जवान को बलुगत। नहीं कहेंगे, जवान के लिए थोड़ी, मैंने क्या पता है, पहुंचने को बोलते हैं। और नहीं वो पहुंचेंगे किसको? 10वें हिस्से को। माँ आता ही ना हूं पढ़े, अतैना हूँ अतैना, और हमने उन्हें दिया ना ही अतैना, हमने जी, पढ़े हैं। आपकी आवाज भी कट रही है। अतैना हूँ और
आतई ना हम कौन से सबक से, आतई ना हम नादिया। उसके वो वाला है ना जिसमें ये पैसिव वो ना होता तू ना तू वाले में से। है तो ना तुम। मैं किससे पूछ रही हूँ, नादिया से पूछा है मैंने। और हमने तुम्हें माँ आतैना, हमने तुम्हें 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 कहाँ से आ गया, मैं वही तो पूछ रही हूँ। टॉपिक बताएं, समझे और फिर करें तर्जुमा। सही आता ही ना, सिर्फ आता ही ना का करें क्या बन रहा है। आता ना ही तो ना। मैम, हम ना हम और अतई दिया, फिर क्या बना। ठीक हमने दिया है, हम नहीं। जी हाँ। और नहीं वो और पहुंचे दसवें नहीं वो हिस्से पहुंचे को दस, भी, जी हाँ, और नहीं वो पहुंचे दसवें हिस्से को भी, माँ आते ही ना हम जो हमने दिया उन्हें। नेक्स्ट पढ़े। वाला हुन नौशीन आप पढ़े। वाला हुन्ना वा और ला लिए हुन्ना उन औरतों के लिए, और उन औरतों के लिए रुबू चौथा मिम्मा उसमें से जो तरक तुम्हें तुम्हारे लिए छोड़ा या तुम्हें तरका दिया। उसमें से जो तरक तुम, किसने छोड़ा है तरक तुम। तरक तुमने छोड़ा, जी हाँ। जो तुमने छोड़ा उसमें से उन औरतों के लिए चौथा हिस्सा है। ये किसने छोड़ा है तरक तुम, मर्दों का छोड़ा हुआ है या औरतों का छोड़ा हुआ है। ठीक नहीं, मर्दों का छोड़ा हुआ है, वो औरतों के लिए चौथा हिस्सा है, है, ये आपको कैसे मालूम हुआ कि मर्दों का छोड़ा हुआ है। क्योंकि इसमें तुम आ रहा है ना, तुन्ना नहीं आ रहा, और ठीक हुन्ना है, आ रहा था तो वो फीमेल्स के लिए। ओके ओके, ठीक है जी। उसका मतलब याद है आप लोगों को पिछला। अच्छा, ये हम लोग ये वाली आयत क्लियर हो गई। नेक्स्ट हम ये कर चुके थे। तो यहाँ तक कर ली थी मेरे ख्याल से, है ना। तो इसको कंप्लीट करते हैं, फिर अगर कहेंगे तो रिपीट कर लेंगे इंशाल्लाह, अगर टाइम हुआ तो। ठीक है, ताकि ये कंप्लीट हो जाए। बताएं यहाँ तक कर ली थी, मुझे तो भूल चुका कहाँ तक पढ़ी थी। ये ऐसा करें, इसको ही रिपीट करें जल्दी से, टाइम हो जाएगा इंशाल्लाह। पढ़ें, आ जाएं। इन यकुन से पढ़ें, ये फर्स्ट नंबर। सुरैया सुल्ताना आ जाएं आप। अफसरी खान आप बताएं, पिछली जी मैम, इन क्लियर है, आप पढ़ेंगी आज। यकुन, पढ़ें आप। इन यकुन अगर हो जी मैम, अस्सलाम वालेकुम बिल्कुल वरहमतुल्लाह। तुमने, मियता साबिरतुन, मियता सौ साबिर, यगलिबु गालिब आ जाएंगे, मियतैनी 200 पर, व इन और दोबारा अगर पढ़ें, हो यहां से यकुन, लेकर यहां तक दोबारा पढ़ें। अगर हो तुम में सौ साबिर, सब्र करने वाले, गालिब ठीक है आ जाएंगे 200 पर, व ठीक है। इन यकुन, ये सौ और से, अगर एक हो मिनट, ये सौ से एकदम से 200 कैसे बन गया। मियाता से मियाता ही नहीं, या ठीक नून लगाने से मैम। ठीक है, ठीक है, ठीक है जी। पढ़ें आगे। जी मैम, व इन यकुन और अगर हो मिनकुम तुम में से अल्फा 1000, यगलिबु गालिब आ जाएंगे, अल्फैनी 2000 पर, बीजनी लाही, बीजनी लाही अल्लाह के हुकुम पर, अल्लाह के हुक्म से, वल्लाह। अल्लाह के हुकुम से। वल्लाहु अल्लाह वल्लाहु मा साबिरीन, और अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। ठीक है, बारक अल्लाहु फीक। नेक्स्ट कौन पढ़ेगा, एक एक पढ़ लें ताकि सबको मौका मिले, जो नहीं क्लास में पार्टिसिपेट कर पाते वो भी पढ़ें। शाबाश, आ जाएं। जी लतीफा आप बाजी, पढ़ें। मैं पढ़ूं, बाकी मैं जी पढ़ूं। जी 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 बिस्मिल्लाह रहमान एक मिनट, रहीम, आप पढ़ेंगी। जी जी पढ़ें आप, लतीफा। लतीफा पढ़ें।
म्यूट है। हाँ, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। इन अगर यकुन अगर हो मिनकुम तुम में से, इशरूना साबिरून 20 साबिर, यगलिबूना गालिब आ जाएंगे, मियातैनी 200 पर, और इन और अगर वो मिनकुम तुम में से हो, मियातुन मियातुन 100, यगलिबूना अल्फा गालिब आ जाएंगे, अल्फा 1000। ठीक है, वो कितने पे गालिब आएंगे? अगर तुम में हो 100 तो वो गालिब आ जाएंगे 1000 पे।1000 ठीक जी। है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, सबको क्लियर है यहाँ तक? जी बाजी। ठीक है, पढ़े सलमान आप ही, आप ये वाली आयत। इन्ना हाजा अखी, बेशक ये मेरा भाई है, लहू उसके लिए 90 व 90 नाजतन, उसके लिए 99 दुम्बियां हैं, वलिया और मेरे लिए नाजतुन, और मेरे लिए एक नाजा, एक हुआ ना, नाजतुन ठीक है एक। जी, ये आगे कंटिन्यू होगी इसमें है। ठीक है, वक़्त आना हूँ। हमने तकसीम कर दिया उनके लिए इतनता अशरा अस्बाता कबीलों में, कि और हमने उनके लिए ने तकसीम क्या, और कर हमने तकसीम कर दिया हूँ उन्हें कितने दिया उन्हें कबीलों में? उन्हें उन्हें हम उन्हें वक्त ना हम हमने तकसीम कर दिया उन्हें इतनता अशरा 12 अस्बातम कबीलों में। ये मेरा भाई है, उसके लिए 99 दुम्बियां हैं और मेरे लिए एक, वक़त तय ना हूं, और हमने तकसीम कर दिया उन्हें 12 कबीलों में। ठीक है जी, बारक अल्लाह फीक। चलें जी आ जाएं, और किस किस ने नहीं पढ़ा? उम्मे सलमा आज पढ़ूं नाम चेंज कर पढ़ूं कर आई हैं या कौन है? कोई न्यू स्टूडेंट तो नहीं है? मैं पढ़ इसी नाम से भेजा है, पता नहीं। करें, कोई मसला नहीं। नौशीन आप पढ़ें, रजिया इसके बाद आप पढ़ेंगी। कुल के मन कौन है, रब्बु समावाती आसमानों का रब, सब ही सात कह के कौन सात आसमानों का रब है, वह और रब्बुल अर्श अजीम, और इस अजीम अर्श का रब, ठीक है, वह काना और है, फिल मदीना थी मदीना में, तिस अतु 9 रहतिन सरदार, और मदीना में 9 सरदार हैं, युफ सिदूना वो फसाद करते हैं, फिल अर्जी जमीन में, वला युसलिहून और सुला नहीं करते हैं। ठीक है। इसका तर्जुमा पास्ट में होगा तो ज्यादा ठीक बनेगा। वकाना फिल मदीना थी, और थे मदीना में 9 सरदार। मैंने बताया था ना काना का तर्जुमा किस तरह से हो सकता है। जी ठीक जी है, जी जी था भी हो युफसिदूना, सकता जी हाँ, वो फसाद करते थे किसमें? जमीन में। वला युसलिहूना, और नहीं थे वो इस्लाह करते। ठीक है, मतलब कि वो इस्लाह नहीं करते थे। ठीक है, ठीक चलें रजिया आप पढ़े नेक्स्ट। है जी। मैम औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, वो कौल अल्लाहु, और कहा अल्लाह ने, ला तत्तखिज़ू नहीं बनाया, इल्हा मत बनाया क्यों? ला तत्तखिज़ू कौन से मत सबक से है? बनाओ, जी हाँ, जी मत बनाओ, लाता मत बनाओ, इल्हा है नहीं, इस नहीं नहीं आ, आ, दो दो माबूद, नहीं नहीं दो महबूद, इन्नमा बस हुआ वही है, इलाहुन इलाह वाहिद एक, वइया बस या।
इसका क्या है मैम? फैया इया पस मुझ ही से फरहबून। बस इससे डरो, डरते ठीक है रहो। जी हाँ, पढ़े रवानगी के साथ इसी को। और कहा अल्लाह ने मत बनाओ दो माबूद दो खुदा, इन्नमा बस वही है एक इलाहा, बस मुझी से डरते रहो। ठीक है, बारक अल्लाह फीक। सलमान आफे आप पढ़े ये लास्ट वन। इस्तग़फिर लहुम, इस्तग़फार करो उनके लिए, आओ ला तस्तग़फिर और मत करो या तुम, आओ मायने होता है या। आओ या ला तस्तग़फिर और तुम फिर वो और मत करो या इस्तग़फार, नहीं, या आओ मायने होगा या। या इस्तग़फिर लहुम, मगफिरत तलब दादी करना या लात नहीं, बख्शिश। नहीं लात नहीं है, ता पे तो जबर है ये। आओ ला या नहीं तस्तक फिर मत करो इस्तगफार, नहीं, या तुम करो, इस्तग़फिर का इस्तगफार तस्तक फिर तुम करो इस्तगफार। सही है बाजी, लहुम ठीक है। देखिए उनके इस्तग़फिर जो है ना, इसका तर्जुमा इस तरह, इसका पहले देखे ना। जी ये तो हाँ, हुक्म है या ना इसमें जी, ये भी, तो हुक्म हो इसमें भी गया। वही हाँ होगा। और या नहीं अच्छा तुम क्या करो, अच्छा नहीं बख्शिश अच्छा तलब या करो नहीं, या माफी तलब या करो माफी लहुम तलब करो उनके उनके लिए। लिए, उनके लिए इन अगर तस्तगफिर माफी तलब करोगे उनके लिए, लहुम उनके लिए, सब इना मर्रतिन सात मर्तबा, फलन सबईना, यकरुल्लाहु सबईना सात सबईना मर्तबा। 70 मर्तबा, सॉरी जी मैडम हाँ, 70 मर्तबा मैं सबा पढ़ रही हूँ, सबईना मर्रतन 70 मर्तबा, फलन यकरुल्लाहु लहुम, बस हरगिज बस नहीं। लन बस बताया था ना किसके लिए होते हैं, हर जोरदार नफी के लिए, पर अल्लाह हरगिज नहीं यगफिरु। माफ करता है बस उन्हें, हरगिज नहीं मतलब माफ करेगा अल्लाह उन्हें। नहीं माफ करेगा अल्लाह उन्हें। ठीक है, मतलब देखिए क्या बना है इसका, दोबारा पढ़ें इसको। इस्तग़फिर लहुम उनके लिए इस्तग़फार करो, औला तस्तग़फिर या ला तस्तग़फिर या नहीं लहुम, या नहीं करोगे उनके लिए या इस्तग़फार इन ठीक है, मतलब अगर, इसका है ना तलब करना हो गया, हाँ मतलब कुछ जी मांगना हो गया। मांगना ठीक है, हो गया क्योंकि ये इन बाब ऐसा तस्तग़फिर, है, हाँ ये बाब है जी ऐसा है ना, ये इसमें अभी आप लोगों को नहीं जी समझाऊंगी, एडवांस में पढ़ेंगे। तो जी इसमें होता है कुछ तलब करना, कुछ मांगना, तो इसका बनेगा जी बख्शिश तलब करो या माफी तलब करो उनके लिए, या नहीं तुम बख्शिश अच्छा तलब कर इनके लिए। अगर तू बख्शिश अच्छा तलब कर उनके लिए कितनी मर्तबा, 70 मर्तबा, बस सत्तर हरगिज नहीं मर्तबा अल्लाह बख्शेगा उन्हें। उन्हें ठीक है। हर किस, कौन रह गया, आमना तारिक आप पढ़े। बोला भी तू और वो ठहरे फी काफीम अपनी गार में, 300 मियातिन सिनीना 300 साल, वज़दादू और वो बढ़ गए या वो ज्यादा हो गए या उन्होंने ज्यादा किए, थी साइन नो ठीक है, वलकद और अलबत्त तहकीक आ तईना का, हमने दी तुझे सबाम मिनल मतानी सात दोहराई जाने वाली आयतें, वल कुरान ठीक अजीम और अजीम कुरान या अजमत वाला कुरान है। या कुरान अजीम। कहा उसने कहा रब्बी ए मेरे रब, इजअल बना ली मेरे लिए आयतन कोई निशानी, कहा उसने कहा आयतु का तेरी निशानी अल्लाह ये है कि तू कल्लिमा नहीं तू कलाम कर सकेगा अन्नासा लोगों से, सलासा लयालिन 3 रातें, सवियन मुसलसल, अल्लाहु अल्लाह अल्लादी जिसने खला का पैदा किया, सबा समावात 7 आसमानों को। ठीक है जी, बारक अल्लाह फीक। चले आ जाए दोबारा इसको मैम रिपीट। वो वज़दादू 30 आ का क्या बनेगा? वज़दादू लिखा हो ना, बढ़ गए तिसान। बढ़ गए 9 गुना, मतलब 9 साल मजीद बढ़ गए, और वो ठहरे अपने गार नौ में साल 300 साल, और वो दादू और बढ़ गए 9 साल। जी मैम, ठीक है, ऐसा ही बनता है ना, गलत तो नहीं बताया मैंने।
जी बाजी सही है। चले आए, रिपीट करें इसको, ये वाली आयत और ये वाली। वलकद आते ना का कौन पढ़ेगा जो खामोश बैठे हुए इतने टाइम से आ जाए? मैं ही पढ़ू मैम, मैं पढ़ू पढ़े पढ़े। वलकत, और यकीनन, और अलबत्ता यकीनन हमने दिया उसे तुझे सब आन मिनस मसानी सात दोहराई जाने वाली आयतें और कुराने अजीम। ठीक है, ये कौन सी है सात दोहराई जाने वाली आयतें? फातिया, सूरह राजी फातिहा। सूरह फातिहा, सूरह फातिहा। ठीक है जी। सुरैया सुल्ताना आप पढ़ें ये वाली लास्ट, सेकंड लास्ट बल्कि ये। खाला जी मैम, खाला उसने कहा रब्बे जाल, रब ने बनाया। रब्बी जाल इजाइल कौन सा टॉपिक है? खाला उसने कहा रब ने बनाया, नहीं होगा मैम, हुकुम इजाइल कौन सा टॉपिक है बताएं? मैं बीच में एक दो लेसन मिस कर दिए थे मैम, शायद उससे रिलेटेड दिख रहा। हुकुम तलब उसने अभी पढ़ा भी बना तो है, मतलब इसने कहा ए मेरे रब बना, दूसरे और आखिरी हर्फ पर जज़्म। बना जी जी मैम। मुझे। उसने कहा ऐ मेरे रब बना ली आयत, आयत मेरे लिए, हाँ निशानी मेरे लिए। खाला उसने कहा आया तुका मैं तेरी, हाँ आया